वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं। एंड टुडे विल स्टडी अबाउट एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर नंबर 10 क्लास 10। ओके, 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी देखिए, आप सोच रहे होंगे कि 10.1 तो एक्सक्लूड कर दिया है सिलेबस में से, बट 10.1 से 1 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वी विल गेट 1 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम 10.1। सो लेट सी एक्सरसाइज 10.1 फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं एक सर्कल के? तो आई विल से इनफिनाइट। बहुत सारे हो सकते हैं। व्हाई? सो ए सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। सर्कल क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स है एक सर्कल पे। सो फ्रॉम ईच पॉइंट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए टेंजेंट। क्योंकि टेंजेंट क्या है? तो टेंजेंट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट। ओके, सो वी कैन गेट मैनी टेंजेंट्स। कोई लिमिट नहीं है हमारे पास सर्कल पे पॉइंट्स की, तो टेंजेंट की भी कोई लिमिट नहीं होगी और इन्फिनाइटली वी विल गेट मैनी टेंजेंट्स टू ए गिवन सर्कल। ओके, सो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने बताया इसका अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो वी हैव द वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन टू ए सर्कल। इंट्रोडक्शन दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए रेडियस के बारे में और टेंजेंट सेकेंट सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं वहाँ से इंट्रोडक्शन वीडियो। और हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? FIB, फिल इन द ब्लैंक्स। सो यहाँ पे ब्लैंक्स को फिलअप करना है और एज पर द क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आनी है, MCQs भी आने हैं, ट्रू फॉल्स भी आने हैं। ठीक है, वो पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए स्पेशली कि पेपर पैटर्न क्या होगी और कंटेंट क्या होगा फ्रॉम ईच चैप्टर एंड हाउ टू डील विद दिस एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर अवर एग्जामिनेशन। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर टू इज कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट और पॉइंट्स। सो टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? यस, ऑब्वियसली एट वन पॉइंट, बिकॉज टेंजेंट है तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? यस, वी विल से सीकेंट। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है इंट्रोडक्शन वीडियो में। सो ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एट द मोस्ट यानी मैक्सिमम एक सर्कल को कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? सो लेट सी द डायग्राम। ये सर्कल हो गया, ठीक है, एक टेंजेंट बनाया मैंने। अब दूसरा टेंजेंट और यही दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है, तो एट द मोस्ट ये 1 और ये 2, दो टेंजेंट्स हो सकते हैं जो एक दूसरे से पैरेलल होंगे। सो ए सर्कल कैन हैव 2 parallel tangents at the most. And fourth one, the common point of a tangent to a circle and a circle is called. Okay, common point. So let's see the diagram. Common point of a tangent to a circle. ये tangent हो गया आपका, और यहाँ पे जहाँ पे circle का एक point है और tangent की जो line है उसका भी point है, तो दोनों के लिए ये जो point है ये common point हो गया, जहाँ पे सर्कल और टेंजेंट का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो दैट पॉइंट, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? सो दैट पॉइंट इज नोन एज, यस, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि दोनों का कॉन्टैक्ट हो रहा है वहाँ पे, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टेंजेंट एंड द सर्कल। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंपल एंड ईजी, जस्ट वी हैव टू सी द इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, शो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू इज। अब पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन के बेसिस पे आप सोचो तो हम हवा में कुछ भी टिक कर सकते हैं, बट नहीं, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डायग्राम पे कि ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी। सो विल ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया? टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल से मीट हो रहा है, ठीक है, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, दिस वन इज द सेंटर, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, दिस वन इज द टेंजेंट विच इंटरसेक्ट दिस। तो ए टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट इज वॉट? पी क्यू, पॉइंट पी
एंड पॉइंट क्यू एट ए पॉइंट पी. एट ए पॉइंट पी बोला यानी कि वो जो पॉइंट पी होगा उस पे इंटरसेक्ट करेगा. ऑफ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हमारे पास है, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर. तो ये रेडियस की लाइन और रेडियस की लाइन एंड द मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. सेंटर ओ बोला है, सेंटर ओ दे दिया. नाउ अगेन ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू. अब उस टेंजेंट को मीट कर रही है लाइन सेंटर से एट पॉइंट क्यू. तो हियर इज द पॉइंट क्यू और वहां पे हमने एक लाइन को मीट कर दिया. सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर. ओ से क्यू तक का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर हो गया. रेडियस ओ से पी तक का डिस्टेंस दिया नहीं था बट रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है. तो सेंटर और सेंटर से कोई भी लाइन पे अगर हम इंटरसेक्ट करें एक लाइन जो सर्कल का पॉइंट हो तो इट इज ए रेडियस एंड रेडियस इज गिवन 5 सेंटीमीटर. सो नाउ वी हैव ओ क्यू, वी हैव ओ पी एंड वॉट वी हैव टू फाइंड इज वी हैव टू फाइंड आउट पी क्यू. तो हाउ वी विल फाइंड इट आउट, सो लेट्स नोट इट डाउन फर्स्ट वॉट इज अवेलेबल विथ अस हियर. OP equal to radius and radius is how much 5 सेंटीमीटर. हम ऐसे ही ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे डायग्राम के बेसिस पे और सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा देन विल गेट द एग्जैक्ट आंसर एंड दैट ऑल्सो फास्ट. सो OP रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड OQ, OQ इज हाउ मच 12 सेंटीमीटर. ये गिवन है हमारे पास और हमको फाइंड आउट क्या करना है PQ. PQ equal to question mark. We don't know what is the length of the PQ. So, but we know this thing कि यहाँ पे 90 degree होगा. How? तो the theorem 10.1. Also, we will write it down कि OP, segment OP is perpendicular to PQ. Why? तो we'll write it down because as per the theorem 10.1. थ्योरम 10.1 में मेंशन है कि एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये कॉमन पॉइंट और रेडियस की लाइन जो होगी वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होगी. सो ये हमको मिल गया 90 डिग्री. देयरफॉर ट्राइंगल पी ओ क्यू इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. अब राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी दो साइड्स हमको पता है और थर्ड साइड फाइंड करनी है तो यस हम क्या अप्लाई करेंगे, कम ऑन, यस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. तो लेट्स अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. एंड व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, यस दैट इज अवेलेबल ऑन माय चैनल. द वीडियो स्पेशल वीडियो इज मेड फॉर पाइथागोरस थ्योरम, यू कैन सी दैट वीडियो इन द डिटेल. एंड लेट्स कंटिन्यू बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड इट आउट पी क्यू. सो पाइथागोरस थ्योरम इज 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट है, वो हाइपोटेनस है. तो हाइपोटेनस स्क्वायर दैट मीन्स ओ क्यू स्क्वायर ओके इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर. बेस क्या है, ओपी है, ओपी स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर. तो अल्टीट्यूड क्या है पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर. सो व्हाट इज अवेलेबल विथ अस एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इट आउट दैट विल सी. अब हमको फाइंड आउट करना है क्या पी क्यू और हमारे पास ओ क्यू और ओ पी अवेलेबल है. यू कैन सी हियर ओ पी एंड ओ क्यू. तो ओ क्यू की वैल्यू है क्या 12. सो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी इज 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर. सो 144 इक्वल टू 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर. अब आपको फाइंड आउट करना है क्या पी क्यू. तो प्लस 25 को मूव करते हैं तो 144 माइनस 25 हो जाएगा इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर. ओके इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 144 माइनस 25 यस 119 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर. तो देयरफॉर पी क्यू क्या आएगा, स्क्वायर रूट है वो इक्वल टू के उस साइड मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है वो मूव करेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा. सो 119 एज इट इज स्क्वायर मूव किया इधर स्क्वायर रूट हो गया एंड दैट विल बी इन द सेंटीमीटर. सो यस कैन यू सी रूट 119 सेंटीमीटर, यस. तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर एंड वी फाउंड द आंसर. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड अदर अ सीकेंट टू ए सर्कल. यहां पे क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है और दो लाइंस बनानी है पैरेलल टू ए गिवन लाइन. सो लेट्स ड्रॉ द सर्कल.
यू विल यूज राउंडर टू ड्रॉ इट. ओके आई एम ड्रॉइंग जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. यू मस्ट ड्रॉ द एग्जैक्ट सर्कल. सो एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है और गिवन लाइन है. सो लेट्स टेक वन गिवन लाइन. कि लाइन L एक गिवन लाइन है. ठीक है, वो तो कहा नहीं कि इंटीरियर में होगी कि एक्सटीरियर में, तो हमने एक गिवन लाइन ले ली. अब क्या कहा है, टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन. दो लाइन्स ऐसी बनाओ जो पैरेलल हो दी गई लाइन से, गिवन लाइन से पैरेलल हो, और वो दोनों लाइन में से एक टेंजेंट हो और एक सीकेंट हो. तो लेट्स डू इट. अब देखिए यहाँ मैं जो बनाने जा रहा हूँ दैट इज ए टेंजेंट लाइन M. अब लाइन M लाइन L से पैरेलल है और टेंजेंट भी है टू ए गिवन सर्कल. एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो टेंजेंट हो गया ये. इसको दे देते हैं हम टेंजेंट. दिस वन इज योर गिवन लाइन. ओके गिवन लाइन टेंजेंट की लाइन हो गई. एक और लाइन बनानी है जो सीकेंट होना चाहिए गिवन सर्कल से. सो सीकेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि इट विल इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट वन एंड टू. इसको दे देते हैं लाइन एन. सो लाइन एन इज ऑल्सो पैरेलल टू गिवन लाइन. सो हियर वी कैन राइट इट डाउन कि एम इज, लेट्स राइट हियर, एम इज पैरेलल टू लाइन एल एंड लाइन एन इज ऑल्सो पैरेलल टू लाइन एल. और जो रिजल्ट हमको रिक्वायर्ड था वो डायग्राम हमने बना दिया. ओके सो क्वेश्चन इज डन एंड द वीडियो इज कंप्लीट. इस वीडियो में हमने क्या कवर किया, तो इस वीडियो में हमने पूरी एक्सरसाइज 10.1 कवर की फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंडिंग. एंड यू गाइस मस्ट वॉच इट दिस वीडियो एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. गुड बाय, टेक केयर.